फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और गाइस, अभी रोज़ों के बाद से रमज़ान यानी ईद के बाद से जो है गैस जान शुरू हो गई है, तो अब मेरी ड्यूटी लग गई है। और क्या कहते हैं ना, गैस चली जाती है तो 7 बजे आती है, रात को 11 बजे जाती है, 7 बजे आती है। तो अभी मैंने बनाना है नाश्ता, तो मैं नाश्ता बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, अभी जो है मैं देखे रोटियाँ पका के थक गई हूँ, थोड़ा नाश्ता बना लिया है मैंने, सारा चाय भी बना दी है बड़े यम्मी सी। और क्या कहते हैं गाइस, मेरे साथ एक सीन हुआ है बहुत बुरा, बहुत दर्द वाला, तो मैं आपको दिखाती हूँ, बताती नहीं हूँ, दिखाती हूँ, दिखाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा क्या हुआ है मेरे साथ। तो गाइस, आप लोग मेरा हाथ देख रहे हैं, मैं आपका अपना हाथ दिखा रही हूँ आप लोगों को, मेरा हाथ जो है जल गया है, ये देखें। तो ये देखें मेरा हाथ कुछ जल चुका है इस तरीके से, ये अभी इसको जले हुए आधा घंटा हो चुका है और कुछ इसकी हालत ऐसी हो गई है। देखें ये छाला बन चुका है, मैंने भाई लोगों को भी दिखाया, भाई लोग भी काम पे जा चुके हैं तो भाई लोग समझ रहे हैं मेहंदी है, पर ये जो है ना गाइस मेहंदी नहीं है, ये छाला हो गया है क्योंकि गरम गरम ऑयल जब मैंने पराठा डाला ना तवे पे तो उस पर ऑयल था थोड़ा सा, पराठा दूसरे पराठे का बचा हुआ ना पहले से, अभी जो मैंने एक पहले पराठा बनाया था उसका बच गया था, तो मैंने दूसरा पराठा डाला तो वो मेरे हाथ पे आ गया ऑयल पूरा, तो कुछ ये सीन हो गया। कहाँ गया? यूँ दिखेगा, तो कुछ ऐसा सीन हो गया है। तो खैर इसकी जलन जा चुकी है, मैंने अलग के टूथपेस्ट भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि मैं बना रही थी, तो बनाती तो फिर इधर उधर भी कपड़ों में लग जाता टूथपेस्ट, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो खैर इसकी जलन हट चुकी है, आधा घंटा मची है फिर उसके बाद सही हो गई जलन। अब अम्मी उधर कमरे में, अम्मी को भी दिखाना अभी बाकी है जो ये मेरे साथ हुआ है, मैंने अम्मी को नहीं दिखाया, और उर्मी जाकर नहीं तो उन्हें भी दिखाऊंगी कि ये हुआ है मेरे साथ आज। तो गाइस आप लोग बताइएगा वैसे ये निशान अब ये जला जो है कब तक ठीक हो जाएगा। मेरे पहले खैर जला तो था, यहाँ हथेली पे से जला था, पर वो ऐसा नहीं जला था ज़्यादा, तो ये तो ऑयल आके गिरा है, तो पता नहीं अब ये कितने दिन में ठीक होगा, मुझे ना बहुत अजीब सा भी लग रहा है। तो गाइस जब रूटीन हो गया आगे कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे बात भी ख़राब हुए, जाए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें। जिसने कमेंट वो जिसने हमारे चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू है वो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमारी वीडियो को फुल वॉच करें। तो गाइस अभी हमारे यहाँ आए हुए हैं कुछ गेस्ट, तो हम उनसे आपको मिलवाते हैं कि कौन आए हुए हैं, कौन है वो भी हम आपको बता देते हैं। वो हमारे मामा और भाई नहीं आएंगे, वो जरूर आएंगी, वो उनका छोटा भाई भी आ जाएगा, उनकी मम्मा नहीं आएंगी, बस कैमरे के आगे वो नहीं आती क्योंकि जैसे हमारी मम्मा नहीं आती हमारे भाई नहीं आते ना ऐसे, तो आप उनसे जल्दी से मिलवा देते हैं, इंतजार नहीं करवाते ज्यादा। तो आओ, तो ये गाइस तो मैं इनकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, मैं इनके रोज़ाना ब्लॉग्स देखती थी, तो मुझे इनकी वीडियोस और इनकी कैट्स दोनों बहुत पसंद आती थी, इस वजह से आज मैं इनकी कैट्स और इनसे दोनों मिलना है। और आप सुनाए आप लोग कैसे? बिल्कुल ठीक है। और अभी हम लोगों ने खूब सारी जो है बातें वगैरह भी की हैं, फिर हम लोगों ने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, हमने बोला आप लोगों से भी मिलवाएं क्यों, क्योंकि अभी ये भी ब्लॉग खोलने वाली हैं अपना, तो जब ये खोलेंगी तो नाम रखता है कुछ ब्लॉग का? रखूँगी इंशाल्लाह, बताऊँगी आप लोगों को भी सब्सक्राइब प्लीज़ जी, तो हम बता देंगे आप लोगों को, लिंक भी लगा देंगे, चैनल पे भी आपने विजिट ज़रूर करना है, ये भी अच्छे अच्छे इंशाल्लाह ब्लॉग बनाएंगे, डेली ब्लॉग बनाएंगी ये भी हमारी तरह। और क्या कहते हैं ये ब्लैक ही भी लेना चाह रही हैं हमारा, इनको ब्लैक ही बहुत पसंद है, बहुत पसंद आ रहा है, बस दुआ करें ले लो। इनकी मामा बस राज़ी नहीं हो रही, बस ये दुआ कर रही हैं कि जल्दी से मामा राज़ी हो जाए, राज़ी हो जाए हाँ तो ले जाऊँ मैं। तो इनका भी व्लॉग जब बनेगा तो हम अपने व्लॉग में जो है लिंक लगा देंगे, तो आप लोग इनको भी सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जाके, और सब्सक्राइबर लाइक शेयर सब कुछ करिएगा आप लोग इनको भी। बिल्कुल हाय, हाँ बोलो सोच लो कुछ बोलना है। तो गाइस कल तो होने वाली है बारिश, तो इस वजह से ये लोग आ गए थे आज, और क्या कहते हैं इनका माइंड था आने का तभी ये लोग आ गए जल्दी से, क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश का बताया है ना। बताओ गाइस दुआ कीजिएगा, मेरे पेपर होने वाले हैं, बस बहुत अच्छे गुजर जाए, बहुत दिल घबरा रहा है, एंजाइटी सी हो रही है। और बाकी जब मैं अपने न्यू चैनल स्टार्ट करूँगी तो फिर आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है, और बाकी मैं डेली तो नहीं, बाकी मैं हफ्ते में 1 से 2 व्लॉग्स तो डालूँगी, कहीं घूमने फिरने के होंगे, कुकिंग्स वगैरह के होंगे, और डेली रूटीन के होंगे।
और न्यू न्यू टिप्स होंगे स्टडी की और बाकी और बहुत सारी चीज़ें की। तो गाइस हम लोग जो है किचन में खड़े जो है ना, हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली थी। हम लोगों ने बोला थोड़ा बैठ जाए, हवा में आके पसीने आ रहे थे क्योंकि इनको ये बोलिए मुझे सर्दियों में भी पसीने आते हैं वो इसलिए हम लोग जो है पंखे में आ गए। हाँ मैं तो मेरे बाबा को भी चाहे पंखा चल रहा हो सर्दी में नहीं चल रहा हो पसीने ज़रूर आता है। और बाकी मैं रमज़ानों में आने का हो रहा था, मैं तैयार भी हो गई थी मगर आ नहीं पाई। ईद के साथ भी वो मगर अल्लाह का शुक्र है आज आ ही गई कोशिश करके। मैं तो बहुत दिल चाहता था इनसे और बाकी इनकी कैट से मिलने का। और क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं ना आप, तो आना जाना हमारा लगा रहेगा क्योंकि ये भी ब्लॉगर बन गई हैं और हम तो हैं ही, तो अब तो और मिलके हम जो है ना नए नए ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को भी मज़ा आएगा न्यू ब्लॉग देखने में। और इनके तो न्यू होंगे तो इनका भी देखने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों ने सपोर्ट करना है और आपने इनको भी करना है सपोर्ट मेरे फ्यूचर सब्सक्राइबर। और जो है ना आप लोगों ने वीडियो जो है फुल वॉच करनी है इनकी भी और हमारी भी। जी बिल्कुल यही करना। और कमेंट जो है वो आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे करने हैं, किसी ने भी जो है थोड़ा वैसा कमेंट नहीं करना है, प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं ताकि दिल खुश हो जाए, हमें पता चले आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। तो गाइज हम लोग वैसे इनकी मम्मा भी बोल रही है देर हो रही है, मगरिब होने आ रही है तो इनको भी जाना है घर पे। और क्या कहते हैं मैंने भी हांडी अभी तक नहीं चढ़ाई है तो मैंने हांडी चढ़ानी है जल्दी जल्दी से। मैं सो गई थी, अम्मी ने मुझे उठाया था कि हांडी चढ़ा लो तो फिर ये लोग आ गए तो थोड़ी बातें बातें की और सो गई गाइस, ये सो गई थी इसलिए देर हो गई है इनको। जी तो बस अब ये लोग भी घर की तरफ रवाना होंगे और मैं भी जो है हांडी चढ़ाने के लिए किचन में चली आऊँगी। तो व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच करें। और जो न्यू है वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, 1K सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे कर दें, हम बहुत सेलिब्रेशन कर लेंगे ईद पे। पर हमारे जो हैं 1K सब्सक्राइबर नहीं हुए तो प्लीज़ जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे कर दें। और फिर बाद में वॉच टाइम की बारी आएगी तो वॉच टाइम भी आपने पूरा करना है।